व्यवसाय नीति को बिहार में लागू करने के लिए आज रेल चक्का जाम का आंदोलन का ये अभियान है। बिहार बेरोजगारी के सूचकांक पे अंतिम पायदान पे नहीं किया गया था, एक सांकेतिक प्रदर्शन जाप कर कर्तव्यों द्वारा व्यवसाय नीति के विरोध में किया था, लेकिन वो समझाने पर 2-3-4 मिनट में ही सभी अपने स्थान से निकल गए। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में शिक्षक नियमावली भर्ती में बदलाव को लेकर जहां एक तरफ छात्र आक्रोशित नजर आ रहे थे, तो अब छात्र के समर्थन में जाप कार्यकर्ता भी रेलवे ट्रैक पर उतर गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी हम मुजफ्फरपुर जिले के रामदयालु स्टेशन पर हैं, जहां जाप कार्यकर्ता पहुंचे हैं और रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि रेलवे पुलिस भी बंदी को देखते हुए अलर्ट मोड में थी और जाम नहीं होने दिया है रेलवे ट्रैक को। बावजूद इसके बता दें कि लगातार जाप कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतर कर जाम करने की कोशिश कर रहे थे और शिक्षक नियमावली भर्ती में बदलाव का विरोध कर रहे थे। वहीं उन्होंने जाप कार्यकर्ताओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री बिहार के विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे विद्यार्थियों का जो है लगातार जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है और हम इनके नीतियों का विरोध करते हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जाप कार्यकर्ता और रेल डीएसपी अतुल दत्ता, पहले आपको सुनाते हैं। किया गया था एक सांकेतिक प्रदर्शन जाप कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवसाय नीति के विरोध में किया था, लेकिन वो समझाने पर 2-3-4 मिनट में ही सभी अपने स्थान से निकल गए। बिहार प्रदेश के सारे जिला मुख्यालय पे जन अधिकार पार्टी हमारे मसीहा जन जन के नायक माननीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू करने के लिए आज रेल चक्का जाम का आंदोलन का ये अभियान है। बिहार बेरोजगारी के सूचकांक पे अंतिम पायदान पे प्रदेश के युवा तेज तर्रार उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी सरकार में आने के पहले इन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख युवा को रोजगार दूंगा। जब इनको मौका मिला रोजगार देने का तो इन्होंने बाहर के प्रदेशों के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं बिहार में रोजगार के लिए, तो बिहार का युवा कहां जाएगा? कितना दुर्भाग्य है इस बिहार प्रदेश को और बिहार के युवाओं के लिए कि जो डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रहा है, सरकार बाहर के युवा को प्रदेश में बुला रहा है। हम लोग इसी के खिलाफ अधिकार पार्टी सड़क पर लेके रेल के चक्का तक उतर के जाम करने का काम करेगी और अंतिम दम तक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। यही आह्वान है बिहार के युवाओं से कि आप आइए, हमारे कदम में कदम मिला के हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। जन अधिकार पार्टी आपके हर कदम में आपसे एक कदम आगे खड़ा होकर सड़क पर रहेगी, आपकी लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रानू शंकर जनरल सेक्रेटरी जन अधिकार पार्टी बिहार। कार्यक्रम है कि डोमिसाइल के समर्थन में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजेश रंजन पप्पू यादव जी के द्वारा पूरे बिहार में आज रेल रोको आंदोलन डोमिसाइल के समर्थन में किया गया है। हम लोग आज मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन को हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। क्या है मांग? क्या है मांग? है कि डोमिसाइल को नीति को लागू कीजिए, बिहार के युवाओं को रोजगार दीजिए। हमारे बिहार के युवा रोजगार से अलग हो गए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पूरे भारत के लोगों को बिहार में आमंत्रित कर रहे हैं और बिहार का युवा रोड पर घूम रहा है। जाप भी तो लगातार जो है नीतीश कुमार का समर्थन करते थे, तो ऐसे में आप उनका विरोध क्यों? हम नीतीश कुमार की समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उनका नैतिक समर्थन कर रहे हैं। लेकिन नैतिक समर्थन करने का ये नहीं होता है कि आप अपनी मनमानी कीजिएगा, हमारे पूरे बिहार के युवाओं का गला काट दीजिएगा, हम इसके लिए समर्थन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर जाप कार्यकर्ता और रेल डीएसपी अतुल दत्ता क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि अब जाप कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधने लगे हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले 10 लाख विद्यार्थियों को रोजगार की बात कर रहे थे, जो अब कहां चली गई और एक भी व्यक्ति को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। सिर्फ इनकी सिर्फ कहने की बातें हैं और इसके खिलाफ हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।